नमस्कार। आज हम कक्षा 8 का पाठ धातु और अधातु की बात करें। धातु और अधातु क्या है? धातु और अधातु की बात करते समय आप ध्यान करना, हमने इसके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म पढ़े। रासायनिक गुणधर्म कुछ रह गए थे जिनकी बात आज हम करेंगे। इससे पहले 3 रासायनिक गुणधर्मों की बात की थी, वायु से अभिक्रिया धातु की, अम्लों से अभिक्रिया धातु की, जल से अभिक्रिया धातु। ये 3 इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की। आज हम बात करेंगे धातु की क्षारों से क्रिया। धातु जब क्षारों से क्रिया करती है तो क्या बनाता है? जब भी धातु क्षार से क्रिया करेगी तो वह हाइड्रोजन गैस देगी। जब भी धातु क्षार से क्रिया करेगी वह हाइड्रोजन गैस देगी। इसका प्रयोग से आप समझ सकते हो। जैसे यह मान लो एक क्षार है जिसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इस क्षार की क्रिया जब धातु से करवाई जाए तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसके पास जब माचिस की तीली जलते हुए ले जाएंगे तो ये माचिस की तीली तेजी से जलेगी। तो इस प्रयोग से ये सिद्ध हुआ है कि जो धातु इस अंतरिक्ष नली में जो अभिक्रिया हुई वो धातु ने क्षार से की और एक हाइड्रोजन गैस निकली। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है जो पदार्थ को और तेजी से जलाती। उसके बाद दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, यानी धातु और धातु विस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार दर्शाती। विस्थापन का मतलब होता है स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन, अब आप देखो इस स्थान परिवर्तन से पहले आप इस बात को थोड़ा देखेंगे। एक टेबल बना रखी है मैंने, इस टेबल का नाम है धातुओं की क्रियाशीलता। तो भाई धातुओं की क्रियाशीलता क्या है? कुछ धातु ज्यादा क्रियाशील होती है, कुछ धातु कम क्रियाशील। जो ऊपर मैंने लिखी है वो ज्यादा क्रियाशील और जो उसके नीचे आ रही है वो उससे कम क्रियाशील। ये सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम और सबसे कम क्रियाशील कौन सा है? सोना। ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, शीशा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर यानी चांदी और सोना, ये इनके नाम है रासायनिक या सामान्य नाम जो है। इसमें ध्यान करना ऊपर वाले ज्यादा क्रियाशील होंगे, नीचे वाले कम। अब मैंने इसको क्यों बताया? क्योंकि ये इस अभिक्रिया में आपको ध्यान रखना। कैसे? ऊपर वाला नीचे वाले को उसके स्थान से हटा सकता है क्योंकि ऊपर वाले की ताकत ज्यादा है, नीचे वाले की कम। हम सबको पता है जो ताकतवर होता है अपने हिसाब से काम करता है, उसके आगे कोई कमजोर नहीं दिखता। तो इस अभिक्रिया को ध्यान से देखो आप। यहाँ कॉपर सल्फेट है, नाम लिखा मैंने नीचे कॉपर सल्फेट, ये लोहे से क्रिया करेगा। लोहा हम कहा है देखो ध्यान से, लोहा ये रहा और कॉपर कहा है? ये रहा। लोहा ऊपर है और कॉपर बहुत नीचे है, दोनों में डिफरेंस बहुत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस लोहे ने इस कॉपर को ताकतवर कौन रह गया? लोहा। लोहे के पास ताकत है इसको हटाने की, तो लोहे ने क्या किया, इस कॉपर को यहां से क्या कर दिया? हटा दिया। हटाने के बाद क्या बचा? FeSO4 प्लस क्या बचा? Cu। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि कॉपर सल्फेट में जैसे ही लोहे की क्रिया होगी लोहा इसको कॉपर को हटा देगा, FeSO4 और कॉपर बना देगा। लेकिन नीचे वाली समीकरण ध्यान से देखो, नीचे वाली समीकरण को जब आप देखोगे तो इसके पास ZnSO4 और कॉपर है। तो ZnSO4 कॉपर में क्या तात्पर्य हुआ? अब आप कॉपर देखो कहां है, तांबा कहां है? नीचे। जिंक कहां है? ऊपर है। क्या इसके पास इतनी ताकत है कि इसको हटा सके? तो आपका उत्तर होगा नहीं। नीचे वाले के पास इतनी ताकत थी कि वो ऊपर वाले को हटा सके, तो अब इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि ये जिंक को हटा सके। इससे स्पष्ट ये हुआ कि यह अभिक्रिया में यह कॉपर इसको नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि इसकी ताकत क्या है? कम है। और इसकी ताकत क्या है? ज्यादा है। ज्यादा ताकत वाले को कमजोर नहीं हटा सकता, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। तो इस विस्थापन अभिक्रिया का तात्पर्य है स्थान परिवर्तन। देखो स्थान परिवर्तन हुआ इसलिए इसका स्थान लिया और ये अपनी जगह से हट गया, तो ये स्थिति रहती है। तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और किस आधार पर होती है? क्रियाशीलता के आधार। जो ताकतवर होता है वो कमजोर को हटा देता है। ठीक है, तो आज हमने 2 प्रकार के पढ़े, क्षारों से अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, गुणधर्म 4 है, 5 है सॉरी। सबसे पहला पढ़ा वायु से, उसके बाद पढ़ा जल से, उसके बाद पढ़ा अम्लों से, उसके बाद पढ़ा क्षारों से, उसके बाद पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया। ये 5 गुणधर्म रासायनिक गुणधर्म है तो कहीं ना कहीं धातु और अधातु में उपयोग है। तो ये अपना चौथा पाठ था धातु और अधातु जिसका हमने स्मरण किया है। अब धातु और अधातु के उपयोग है जिनके बारे में हम जानकारी रखते हैं कि भाई धातुओं का क्या क्या उपयोग है। लोहे का कहाँ उपयोग होता है, चांदी का कहाँ होता है, सोने का कहाँ होता है, हम सबको इसकी जानकारी रहती है। दस्ते का कहाँ, सिल्वर का कहाँ, ठीक है। और अधातु का ये गैसे है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनका भी अपनी जगह महत्वपूर्ण स्थान रहता है। ध्यान, आगे हम 5वें पाठ की बात।